में पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की और दीगर ममालिक की मुश्तरका फौजी मशकें। पाकिस्तान के AF-17 और अजरबैजान के MiG-29S तैयारों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। मशकें 2 जुलाई तक जारी रहेंगी। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को इनडोर डाइनिंग की इजाजत। शादी हाउस के बाहर 400, अंदर 200 अफराद के साथ शादी तकरीबात हो सकती हैं। तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल्स को 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत। सिनेमा हॉल्स भी रात 1 बजे तक खोलने का फैसला। सकाफती मजहबी तकरीबात पर पाबंदी बरकरार। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का फैसला सूबे खुद करें। NCOC इजलास में अहम फैसले। इतलात 1 जुलाई से होगा। पुरफजा मकाम पाली झील सैफुल मुल्क में साइकिल रेस। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने पहली मरतबा 10,000 फीट की बुलंदियों पर मुकाबले में हिस्सा लिया। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए गए। जुल्फी बुखारी ने इसराइल का कोई दौरा नहीं किया। हुकूमत की तरतीब। ऐसी खबरें बेबुनियाद गुमराह कुन है। साबिक मामले खसूसी खुद भी दौरे की तरतीब कर चुके। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान के मौके में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान। सिंध असेंबली में PTI ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ऑपोजिशन अरकान चारपाई और रसाई ले आए। सिक्योरिटी एहलकार और स्पीकर रोकते रहते, मगर ऑपोजिशन अरकान ने किसी की बात न सुनी। PTI और इत्तेहादी अरकान का शोर शराबा। असेंबली में हंगामा आरई पर PTI के 8 अरकान पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इजलास आज फिर होगा। जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले बनी काला चले गए। PTI वालों ने शर्मनाक हरकत की। तब्दीली के दावेदारों को आवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं, ये बस सियासत चमकाते हैं। गर्मियों में गैस और बिजली नहीं मिल रही, PTI इसका जवाब दे। जमान से हुकूमत मुर्तदा बहा की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा कि सहाफियों से मुतालिक बिल से सभी ने पास किया, गवर्नर ने मंजूर नहीं किया, एतराज लगा दिया। हरीम शाह ने सिंध के वजीर से शादी कर ली। टिकटॉक स्टार की तस्दीक। कहती हैं कि शौहर MP है, जानी माली शख्सियत, कराची में रहते हैं। दुल्हे मियां ने पहली बीवी को कायल करना है। जब पहली बीवी मान गई तो नाम बता दूंगी। शौहर के करीबी दोस्तों को शादी का इल्म है। हरीम शाह ने किस MPA से शादी की, सहाफी का सवाल। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का दिलचस्प जवाब। चेक कर ले, मेरे हाथ में शादी वाली अंगूठी नहीं, घड़ी भी पुरानी है। हरीम शाह के शौहर कौन है, सिंध की सियासत में चैमा को यहाँ होने लगी। भारत के फॉल्स ऑपरेशन का एक और ड्रामा फ्लॉप। के करीब मुबैना ड्रोन हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अमरीकी अफवाज के इनकला के बाद पाकिस्तान को क्या लायामल अपनाना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बरए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब कर दिया। आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो को खसूसी दावत। अमेर साथ गुजरांवाला के इलाके बनियावाला से अगवा होने वाले 2 साला बच्चे की पूरी बंद लाश बरामद। अब्दुल हादी को गुज़श्ता रोज अगवा किया गया था। बतरिया मैसेज 90 लाख तावान मांगा गया था। बेटे को हमसाये ने मारा, मकतूल बच्चे के वालिद का इल्जाम। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। आजाद कश्मीर का 1 अरब 41 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब रखने की तजवीज। बजट का बड़ा हिस्सा तालीम पर खर्च होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक के तर्ज पर इजाफे की तजवीज। PMC की गलत पॉलिसी और MTECH इम्तिहान का मामला। पानी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू कर लिया। केस की समाअत आज होगी। जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का गरीब तालिबे इल्मों को प्लान तैयार। PMC ने मेडिकल एंट्री टेस्ट की फीस में 4 गुना इजाफा कर दिया। MTECH के एंट्री टेस्ट के लिए हर उम्मीदवार को 6,000 रुपए इजाफी देना होंगे। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, इजहार राय की आजादी पर हमला। सहाफियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा बनाए जा रहे हैं। 1 साल में 140 हरासती केसेस सामने आए। मरियम औरंगजेब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी बोली के हुकूमत ने सहाफियों को लावारिस छोड़ दिया। ये सहाफियों को तहफ़ फराहम करने में संजीदा नहीं। सियाहत से मुल्क में पैसा आएगा, रोजगार मिलेगा। अमन के बगैर सियाहत का फरोग मुमकिन नहीं। ग्रीन एंड क्लीन
पाकिस्तान तहरीक इंसान का विजन है। वजीर आजम ने वादी नारान को आलमी सतह का सियाहती मकान बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सियाहत से मुतालिक सूबाई हुकूमतों को हिकमत आमली बनाने की हिदायत। और फोक मौसीकी का एक और बाब बंद हो गया। मालूम पंजाबी गुलकार अलविदा लूने वाला 65 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम काफी अरसे से गुर्दों के आरसे में नमाज जनाजा आज के चनियोट में अदा की जाएगी। पंजाब का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमों ने नेटवर्क के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। आईजी पंजाब इनाम हनी कहते हैं कि धमाके में मुलविस दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ लिया। मर्द और ख्वातीन समेत 10 मुलजिम जेरे हिरासत हैं। मजीद तफ्तीश के लिए GIT तशकील देती। कार खड़ी करने वाला मुलजिम एक गुल रावलपिंडी से गिरफ्तार। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 23 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 22,254 हो गई। 24 घंटे में 735 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.78% रही। मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 9,56,392 हो गई। उधर अमरीका ने पाकिस्तान को कोरोना से निपटने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें देने का ऐलान कर दिया। बजट आज आसानी से पास हो जाएगा। बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। वजीर आजम का PTI और एहतियाती जमातों के एजाज में इशारे से खिताब। कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नया पैकेज ला रहे हैं। अब हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी है। गंदुम और दालें भी बाहर से मंगवा रहे हैं। 3 साल से मुश्किल हालात में मुल्क चल रहे हैं। निजी अस्पतालों की तरह से सरकारी अस्पतालों में भी जजा सजा का तरीकाकार लागू करना होगा। वफाकी बजट की मंजूरी आज। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने तैयारी कर ली। बजट मंजूरी के हिस्से पर मुशावरत। बजट आराम से मंजूर हो जाएगा। इमरान खान को यकीन। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। PTI ने इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर को हराने की हिम्मत अमली बना ली। चौधरी इसहाक ताहिर का इख्तलाफ खत्म करके पार्टी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। मुआवन खसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार तनवीर इलियास का कहना है जेहलम वैली 6 की सीट अहमियत की हामिल। जीत कर दिखाएंगे। हुकूमत ज़ुल्फ़ी बुखारी के दौरा इसराइल की तफसीलात सामने लाए। ज़ुल्फ़ी बुखारी किस फ्लाइट और किस रूट के जरिए इसराइल गए आवाम को बताया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि आसिफ अली सरदारी का दौरा लाहौर मामूल का था। गुज्जर नाले से मुतालिक अदालती फैसले से 1 लाख अफराद मुतासर हुए। अमरीकी सदर से मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं। कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी इजलास में शिरकत का ऐलान। साहब ये औरतें अब मेरे 50 मीटर से ज्यादा करीब नहीं आ सकती हैं, है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको हर खुशी से नवाजे जज्जा, हर खुशी से नवाजे। बोर्ड रूम से बाहर निकलो। जी जी जज्जा साहब, बाहर ले जाओ इनको, दूर ले जाओ मेरी आंखों से। बात